गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, कल हमने अंगुली माउल पार्ट का स्वाध्याय को क्या किया, पूर्ण किया है। आज और एक नया पार्ट, पार्ट नहीं है, कविता, कविता के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। इस कविता का नाम है हाथी। हाथी को देखा है ना बच्चों आप लोगों ने, अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। आप हाथी आकार में बड़ा शरीर वाला रहता है, बड़ा शरीर वाला रहता है, उतना ही क्या है, बलवान बलशाली रहता है, किसी को भी धकेल कर आगे जा सकता है, ऐसा है हमारा हाथी। तो इस हाथी के बारे में एक छोटा सा गाना दिया है जो बच्चों को हंसाने के लिए, बच्चों को एक काल्पनिक है, बच्चों एक काल्पनिक एक कविता पर कविता लिखा है कवि ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। क्या है उन कवि का नाम, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने हाथी के बारे में, हाथी गाना गा रहा है, उनकी उसके कान में मच्छर घुस गया है और मच्छर जाने के बाद वो हाथी कौन सी क्रिया करता है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो चलो बच्चों आज का पाठ शुरू करें। पहले मैं क्या करूंगी, पूरे कविता को बोर्ड पर लिखाऊंगी, बाद में एक एक पंक्ति गाकर आपको सुनाऊंगी। हाथी सूंड उठाकर हाथी बैठा, सूंड उठाकर हाथी बैठा, पक्का गाना गाने, सूंड उठाकर हाथी बैठा, पक्का गाना गाने, मच्छर मच्छर एक घुस गया खान में, मच्छर एक घुस गया खान में, लगा कान उजलाने, फट 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 तबले, जैसे हाथी कान बजाता, ऐसा हाथी कान बजाता, बड़े होठ से भीतर, से भीतर बैठा मच्छर गाना खाता, मच्छर गाना गाता, पूछ रहा है एक दूसरे से, जंगल ए भैया, जंगल ए भैया हमें बता दो, हमें बता दो इन दोनों में अच्छा कौन है भैया, इन दोनों में अच्छा कौन गवैया,
करते हैं और सक्सेना जी ने इस गाने को लिखा है। तो देखिए बच्चों, सूट उठा कर हाथी बैठा, पक्का गाना गाने, मच्छर एक घुस गया कान में, सना कान जिलाने, फट 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 तबले जैसा हाथी कान बजाता, बजे मोट से गीतर बैठा, मच्छर गाना गाता, पूछ रहा है एक दूसरे से जंगल, ए भैया ये बता दो इन दोनों में अच्छा कौन भैया। तो हाथी क्या कर रहा है, गाना गाने के लिए बैठकर तैयार हो गया है। क्यों तैयार हो गया वो, क्या उसको प्रॉब्लम है, क्या उसको परेशानी है, देखेंगे बच्चों। यहाँ पर एक हाथी जंगल में बैठा था, तो उसके वह सूंड उठाकर गाने के लिए बैठ गया और तभी उसके कान में भी भीतर हाँ, तो एक हाथी क्या कर रहा है, वो गाना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, गाना चाहता है वो, और वो जब गाने के लिए अपना सूंड हाँ, जो कंठ बोलते हैं हाँ, सूंड स्वर्णिलो कन्नड़ा में स्वर्णिलो बोलते हैं, उसको सूंड को उठाकर ऐसे बैठ गया, किसके किसके बैठ गया, गाना गाने के लिए। तभी उसके कान के अंदर, तभी उसी समय उसके कान के अंदर, कान के भीतर क्या घुस गया, मच्छर घुस गया। मच्छर का मतलब मस्कीटो, मस्कीटो घुस गया। आपको मालूम है कान में अगर कुछ घुस जाता है कितनी परेशानी होती है ना, जब तक वो बाहर नहीं निकलता तो हम तड़पते हैं, परेशान होते हैं हाँ, टेंशन रहता है कि अंदर जाकर कुछ कट न बैठा बैठे हो हाँ, कुछ कट न जाए हमारे कान के कुछ हिस्से, ऐसे सोचते हैं ना। उसी तरह ये भी क्या कर रहा है, उसको परेशानी हो रही है और अपना जो भी सर हिला रहा है और सर हिलाने से उसके जो दो कान बड़े बड़े होते हैं उससे फट फट जैसा आवाज निकल रही है। तो देखिए बच्चों, सूंड उठाकर हाथी बैठा, पक्का गाना गाने, जंगल में हाथी सूंड उठाकर बैठा है, क्यों बैठा है, गाना गाने के लिए, सूंड उठाकर गाना गाने के लिए बैठा है, मच्छर एक घुस गया कान में, लगा कान खुजलाने, मच्छर उसी समय उसी वक्त जब गाने के लिए सूंड उठाकर बैठता है, उसी समय उसी वक्त उसके कान में एक मस्कीटो घुस गया, मच्छर घुस गया और उसके क्या किया, ऐसे खुजलाने के लिए। आपको मालूम है जब भी आपके कान में कुछ अंदर जाता है, कोई कीट तो कोई मस्कीटो जाता है, कोई कुछ कुछ कीट जाता है, तो आपको क्या करते हो, ऐसे खुजलाते हो ना, तो मेरे कान में कुछ गया है, मेरे कान के अंदर भीतर कुछ गया है, ऐसे खुजलाते हो। तो ये भी ऐसे खुजला रहा है कि मेरे कान के कुछ अंदर, मेरे कान के अंदर कुछ गया है हाथी। तो सूंड उठाकर हाथी बैठा, पक्का गाना गाने, मच्छर ही घुस गया कान में, लगा कान खुजलाने। तो गाना गाने के लिए उसने क्या किया, सूंड उठाकर बैठा है हाथी, उसी समय जब गाने गाने के लिए तैयार हो गया, उसी समय उसके कान के भीतर, कान के अंदर एक मच्छर घुस गया और ऐसे खुजला रहा है, बोले मेरे कान के अंदर, कान के भीतर कुछ गया है, ऐसे सोचकर ऐसे खुजला रहा है वो। फट 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 तबले जैसा हाथी कान बजाता, फट फट फट, देखिए यहाँ पर आपको तो मालूम है हाथी के कान कितने बड़े होते हैं ना, बहुत ही बड़े होते हैं। अगर वो सिर हिलाता है तो फट फट जैसी आवाज आती है ना, वो आवाज कैसी रहती है, तबला जैसी, तबला जैसी आवाज आती है उसकी। तो फट फट तबले जैसा हाथी कान बजाता, ऐसे सिर हिला रहा है, वो सिर क्यों हिला रहा है, सबको जहां जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये नाच रहा है, लेकिन उसकी उसको परेशानी उसी को पता है कि क्यों वो ऐसे परेशान है, वो उसके कान के अंदर मच्छर घुस गया है, उसको निकालने के लिए उसको बाहर लग जाएगा तो परेशान से आराम हो जाएगा वो, इसीलिए वो क्या कर रहा है, ऐसे सिर हिला रहा है। सिर हिलाने से जो दोनों बड़े बड़े कान है उसके हाथी के, फट 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 जैसे तबले जैसे आवाज कर रही है, बड़े मौज मौज से भीतर बैठा, मच्छर गाना गाता। देखिए गाना गाना तो कौन जा रहा था, हाथी, लेकिन अब गाना कौन गा रहा है, अंदर कान के अंदर, हाथी के कान के अंदर बैठे हुए मच्छर, मच्छर आराम से गाना गा रहा है वो। मस्कीटो क्या कर रहा है, हाथी के कान में बैठकर आराम से गाना गा रहा है, लेकिन हाथी परेशान है कि मेरे कान के भीतर कुछ गया है, उसको परेशान हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो बाहर निकालना चाहता है, ऐसे फिर हिलाता है लेकिन बाहर नहीं निकल
चल रहा, लेकिन अंदर बैठकर मस्कीटो अंदर बैठकर क्या कर रहा है, मच्छर आराम से गाना गा रहा है, पूछ रहा है एक दूसरे से जंगल, ए भैया हमें बता दो इन दोनों में अच्छा कौन का भैया। अंदर बैठकर जंगल में जो भी देख रहे हैं हाँ, तो उसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन यहाँ पे गायक है। तो इस सभी जो भी दृश्य हो रहा है, तो कौन देख रहा था इस सभी दृश्य को, जंगल देख रहे थे। जंगल में जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षियां हैं, जो भी जानवर है, सभी क्या कर रहे थे, इस जो अनहोनी अनहोनी के जो दृश्य को कौन देख रहा है, सभी जंगल के रहने वाले देख रहे हैं। उस अनहोनी घटना को जंगल देख रहा था, उसने पूछा ओ भैया मुझे बता सकोगे मच्छर और हाथी जैसे अच्छा गायक कौन है। तो पूरा जंगल देख रहा है और जंगल पूछ रहा है किसे जो देख रहे हैं, अरे देखो मच्छर भी गा रहा है, हाथी भी गा रहा है, तो दोनों गायकों में दोनों गायक है, तो दोनों गाना गा रहे हैं, दोनों में अच्छा कौन गा रहा है, अच्छा गायक कौन है, ऐसे पूछ रहा है जंगल। तो कवि ने हंसने हंसाने के लिए क्या किया है, इस घटना की कल्पना की है ना, एक काल्पनिक है, निज वाला एक घटना नहीं है, तो असल वाला घटना नहीं है, काल्पनिक है, जो हम क्या करते हैं इमेजिन वाला एक घटना किया है। क्यों किया है, आपको हंसाने के लिए, कवि ने हंसते हंसाने के लिए इस घटना की कल्पना की है। इसमें हाथी स्वयं एक खिलौना बन गया है और जंगल के पेड़ हाथी के आसपास बड़े दर्शन स्त्रोत्रा हो गए हैं। इस कविता में एक बड़ा बाल सुलभ कौतुक है, कवि ने जानवर और जंगल से मनुष्य के समता को जोड़कर शब्द का सजीव खिलौना बनाया है, खिलौना बनाया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक काल्पनिक है। सर्वेश्वर राय सक्सेना जी ने क्या किया है, अपने काल्पनिक लोक से उन्होंने एक कविता को बाहर निकाला है। इस कविता में कौन है, हाथी है, मच्छर है। तो हाथी क्या कर रहा है, सूंड उठाकर बैठा है गाना गाने के लिए, उसी समय एक मच्छर उसके कान में घुस जाता है और उसको परेशानी पड़ी है हाथी को, उसको बाहर निकालने के लिए वो क्या कर रहा है, ऐसे सिर हिला रहा है। सिर हिलाने से जो दो बड़े बड़े कान है हाथी के कान से आवाज निकल रही है, जो जैसे किसके जैसी है, वो तबला जैसी आवाज आ रही है। और जो अंदर बैठा हुआ है मच्छर, बंदर कान के हाथी के कान के अंदर जो मच्छर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, मजा ले रहा है, अंदर बैठकर वो कान के अंदर बैठकर गाना गा रहा है। और जो जंगल सारा जंगल ये दृश्य को देख रहा है, और जंगल सभी जो दृश्य स्त्रोत्रा है, सभी जो देख रहे हैं उनसे पूछ रहा है, देखिए दोनों ने दोनों गाना गा रहे हैं, मच्छर भी गा रहा है, हाथी भी गा रहा है, इन दोनों में अच्छा गायक कौन है। इसमें जंगल पूरे जो गाये है दर्शक है उनसे पूछ रहा है। तो बच्चों एक कविता बहुत अच्छी है ना, हंसने हंसाने वाली। अभी हम क्या करेंगे, इस कविता के ऊपर जो आज कविता पढ़ाया है मैंने, इस कविता के ऊपर मैं क्या करूंगी, आपको ग्रह कार्य दूंगी। ग्रह कार्य देने से पहले बच्चों इस कविता का जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ और भावार्थ बोर्ड पर लिखाऊंगी, बाद में आपको ग्रह कार्य दूंगी। शब्दार्थ शब्दार्थ पक्का गाना, ताल सुर के साथ गाया जाने वाला गाना, ताल सुर के साथ गाया जाने वाला गाना,
इधर जाना, अंदर जाना, माउस उमंग खुशी मस्ती गवैया गायक गवैया गायक गाना गाने वाला शब्दार्थ पक्का गाना ताल सुर के साथ गाया जाने वाला गाना घुसना भीतर जाना अंदर जाना मौज उमंग खुशी मस्ती गवैया गायक गाना गाने वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पाठ का जो भावार्थ है, इस पाठ का भावार्थ दिया गया है, उस भावार्थ को मैं क्या करूंगी, बोर्ड पर लिखाऊंगी आपको। भावार्थ एक हाथी जंगल में बैठा था, एक हाथी जंगल में बैठा था और सूर्य उगा कर गाना गाने लगा। तभी उसके कान के भीतर एक मच्छर चला गया, एक मच्छर चला गया और कान घुसाने लगा। कान घुसाने लगा परेशान होकर, परेशान होकर अपने बड़े बड़े कान तेजी से हिलाने लगा। हिलाने लगा फट 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 की आवाज होने लगी। और हाथी मच्छर चिल्लाने के
मचल के गाने के सुर पर ताल दे रहा हूं, ताल दे रहा हो इस अनहोनी घटना को जंगल देख रहा था। जंगल देख रहा था उसने पूछा ओ भैयो मुझे बता सकोगे मच्छर और हाथी में से अच्छा गायक कौन है कवि ने हंसने हंसाने के लिए इस घटना की कल्पना की है। घटना की कल्पना की है इसमें हाथी स्वयं एक किरोना बन गया है। स्वयं एक किरोना बन गया है और जंगल के पेड़ हाथी के जंगल के पेड़ हाथी के आसपास खड़े दर्शक श्रोता हो गए हैं। इस कविता में एक बाल सुंदर कौतुक है। बाल सुंदर कौतुक है कवि ने जानवर और जंगल से मनुष्य के संसार
जोड़कर शब्द का सजीव तिरोहा बनाया है। आज का ग्रह कार्य हाथी कविता कविता शब्दार्थ और भावार्थ भावार्थ को अपने कॉपी में एक बार लिखिए। दो बार पढ़िए। तो इस हाथी कविता के शब्दार्थ और भावार्थ को हाथी के कविता को लिखना है, शब्दार्थ को लिखना है, इसके साथ भावार्थ भी आपको क्या करना है अपनी कॉपी में एक बार लिखना है और दो बार पढ़ना है बच्चों। तो आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। कल इस पाठ के स्वाध्याय के साथ आपके सामने आपकी। धन्यवाद।